और थार से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल। मतलब सबसे अच्छी चीज है कि ये लगी मुझे इसमें कि इसके अंदर मतलब जरा सा भी कोई झटका आता है ना तो मैं महसूस नहीं होता। ऐसे लग रहा है जिवें बस विच बैठे हो, लंबा तो लंबा बंदा। भाई मेरे को इसकी अच्छी चीज अच्छी लगी, मैं तो यही सोच रहा हूँ मैंने कवर क्यों ले ली, यही ले लेते सीधा। ये सीट देखो नीचे जा रही है, ये इस कार का वेलकम फीचर है, सीट नीचे होगी ड्राइवर इजीली बैठ जाएगा अंदर। तो हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल, आई होप आप सभी अपने घर पे ठीक हो, अच्छे हो, खुश हो। मैं हूं आपका दोस्त कार्टून कार वाला, आज फिर एक नई और शानदार वीडियो के साथ, क्योंकि दोस्तों आज है मेरे पास टाटा मोटर्स की फ्लैगशिप एसयूवी सफारी। दिस इज द टाटा सफारी, द ट्रू लीजेंड कार, जिसमें मैं बैठा हूँ, मेरी पूरी फैमिली बैठी है और ये कार थोड़े समय तक मेरे पास ही रहने वाली है। आज हम इस गाड़ी में हाईवे के ऊपर ड्राइव पे निकले हैं, जिसमें हम इस कार की कंफर्ट, स्पेस, एवरीथिंग वी विल चेक दिस आउट। और यहाँ पे मैं एक बार लाइटिंग कार में पूरी कर लेता हूँ, जितनी भी लाइटिंग हो सकती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं बैठा हूँ थर्ड रो के अंदर और मैं जानबूझ के यहाँ थर्ड रो में बैठूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी से दिखा दूँ कि कितनी बढ़िया जगह यहाँ पे देखने को मिलती है। मेरी हाइट है 5'11" और यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे नीज जो है यहाँ पे ना स्कूप्ड आउट सीट ही है, तो नीज मेरे टच नहीं हो रहा, सीट के नीचे मेरे नीज गए हुए हैं यहाँ पे। और क्योंकि ये कैप्टन सीट वाला वेरिएंट है तो एक पैर तो मैं पूरा ऐसे लंबा भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे भी ना थोड़ी सी अगर आप देख पा रहे हो तो बम्प एक दिया है, जिसपे मैं ऐसे पैर रख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है फुट रेस्ट है ये, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि अगर मैं नॉर्मल होकर बैठूँ तो यहाँ पे बड़े आराम से मेरे नीज अंदर आ रहे हैं और मैं बड़े ही शांति से कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल 7-सीटर एसयूवी या 6-सीटर एसयूवी अगर इंडिया में है तो आज के डेट में वो सफारी है, क्योंकि थर्ड रो की सीट इतनी कंफर्टेबल किसी भी गाड़ी की नहीं है। यहाँ पे मेरे मुंह पे ही मुझे यहाँ पे एसी वेंट मिल जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ए पिलर, ये बी पिलर, ये सी पिलर के ऊपर मुझे एसी वेंट देखने को मिलते हैं, जिसका कंट्रोल मुझे पीछे ही मिल जाता है, जिसको मैं तेज या स्लो कर सकता हूँ। वहीं पर अगर मैं मिडल सीट की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एरोप्लेन वाला सिस्टम, पापा थोड़ी देर दी हुई हो, हमें यहाँ पे इतना बढ़िया सा यहाँ पे हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसको मैं ऐसे दबा के सीधा भी कर सकता हूँ और ऐसे दबा के फोल्ड भी कर सकता हूँ। बैठ जाओ पापा पीछे हो गए, तो जिसमें जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे तो झटकों से राइट लेफ्ट मुड़ने से आपका सिर इधर उधर नहीं गिरेगा, या अगर आप सो भी जाते हो तो आपका जो जो हेड होगा वो पूरा अपनी जगह पे स्टेबल रहने वाला है। वहीं पे फ्रंट में अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे मेरे मदर फादर दोनों बैठे हुए हैं। और मम्मी आपके पैर तो नहीं टच हो रहे आगे? नहीं। पापा तो अड्डे? नहीं। एंड वहीं पे फ्रंट में मेरे ग्रैंडफादर बैठे हुए हैं, आगे भाई बैठे हुए हैं। तो कंप्लीट फैमिली कार, हमारी फैमिली की 3 जनरेशन एक ही गाड़ी में बैठी हुई है। पीछे भी अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो एसी वेंट के साथ, एसी वेंट के कंट्रोल के साथ आपको कप होल्डर भी देखने को मिल जाते हैं। और वहीं पे इस तरह भी आप देख रहे हो जाली से जो पॉकेट से मिल रही है, यहाँ पे मैंने मोबाइल रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे मोबाइल वगैरह रख सकते हो। सेम फॉर द लेफ्ट साइड ऑल्सो। और यहाँ पे आप देख रहे हो JBL का सबवूफर भी पीछे ही लगा हुआ है। ऊपर की तरफ मुझे अपनी पर्सनल कैबिन लाइट मिल जाती है और 7 एयरबैग्स गाड़ी में आते हैं। वहीं पे आपको ये वाली जगह पे रीडिंग लैंप मिल जाता है, लेफ्ट वाला, राइट वाली जगह पे राइट वाला रीडिंग लैंप मिल जाता है। और यहाँ पे भी अगर मैं मिडल रो की बात करूँ तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। और इस सीट को ना आप रिक्लाइन भी कर सकते हो, रिक्लाइन करके दिखाना एक बार। अब आप एंगल देख सकते हो कितना प्यारा एंगल पे, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक एरोप्लेन में बैठे हो, क्योंकि हेडरेस्ट आपके विंग टाइप हो गए, पूरे के पूरे एरोप्लेन में मिलते हैं इस तरह के। और सीट आपकी कैप्टन होगी, जिसे भी आपने पूरा रिक्लाइन कर लिया। स्लाइड भी करके दिखा दो एक बार, पीछे कर दो पूरी, तो ये पूरी पीछे होगी सीट। उसके बाद तो आगे आपको मैसिव लेग रूम देखने को मिल जाएगा। दादू किवे लग गया गड्डी? बहुत बढ़िया बेटा, कम्फर्ट किवे लग रहा था? बहुत बढ़िया ब्रदर, यू टेल, चलाने में कैसी है, भगाने में कैसी है और ड्राइव कैसी लगी? भाई मेरे को इसकी अच्छी चीज अच्छी लगी, मैं तो यही सोच रहा हूँ मैंने कर्व क्यों ले ली, यही ले लेते सीधा। कर्व के अपने बेनिफिट है? हाँ, उसके अपने बेनिफिट है, पर ये भी बहुत अच्छी है। ओके नाइस, ज्यादा फर्क नहीं है प्राइस में। मम्मी आप बताओ, ये तो जहाज है, पूरी जहाज। कम्फर्टेबल लग रही है आपको? बहुत ज्यादा। आप जो बोल रहे हो, और थार से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल। मतलब सबसे अच्छी चीज है कि ये लगी मुझे इसमें कि इसके अंदर मतलब जरा सा भी कोई झटका आता है ना तो वो महसूस नहीं होता। वैसे है तो ये देखो एसयूवी गाड़ी ही, कंपटीशन भी इसका स्कॉर्पियो, XUV700 जैसी गाड़ियों से है, पर क्योंकि ये बनी है मोनोकोक चेसिस के ऊपर, फ्रंट व्हील ड्राइव, पर
आप ये मत सोचो कि मोनोकोक चेसी है तो क्या ये ऑफ रोड कैपेबल है कि नहीं है। ऑफ रोड कैपेबल की बात अगर मैं करूँ तो इसमें आपको रफ टेरेन मोड मिल जाते हैं, नॉर्मल मोड, सिटी ड्राइव मोड, स्पोर्ट्स मोड वगैरह के अलावा रफ टेरेन मोड मिलते हैं जो ESP का यूज करके ना आपकी गाड़ी को रोकी रोड अगर पत्थरों वाली सड़क है उस पर भी चला पाएंगे। ग्राउंड क्लियरेंस भी कार की काफी बेहतरीन है और 19 इंच के अलॉय व्हील आपको टायर इसमें गाड़ी में देखने को मिलते हैं जो इस कार को काफी ऊंचा और काफी बड़ा बड़ा बना देते हैं। सो दोस्तों ये पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे, हमने खाना वगैरह यहाँ पे खा लिया है और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था कि कार के कंफर्ट के बारे में बता रहा था, पहले तो कार की बाहर से लुक देख लो। मतलब कई लोग ना यहाँ पे बोलते हैं कि हुंडई की अल्काज़ार आती है, मारुति की XL6 आती है, सेम कम्फर्टेबल महिंद्रा मरेजो आती है, मतलब कई गाड़ियाँ आती हैं नो डाउट, टोयोटा की हाई क्रॉस भी आती है, पर वो तो चलो और भी ऊपर वाले बजट में चले जाती है। पर वहीं पे अगर आप इसका रोड प्रेजेंस आप देखोगे ना तो कार की फ्रंट लुक, इसका जो ग्रिल इतना डोमिनेटिंग ग्रिल है ना आगे से, एलोय का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, चारों डिस्क ब्रेक मिलती है और कार को जब यहाँ से आप देखते हो ना जैसे कोई क्रोकोडाइल नहीं होता, क्रोकोडाइल जैसे लुक आगे से कि खा जाएगी बस ये, तो SUV वाली फील और एरोडायनेमिक के साथ मोनोकोक चेसी, स्टेबल चेसी और अच्छी सस्पेंशन के साथ आपको ये गाड़ी देखने को मिलती है। वहीं पे पीछे आते आते लेंथ इसकी अनलिमिटेड लेंथ है। अब मैं यहाँ अंदर से कंफर्ट दिखाना था आपको, तो एक तो ये होगी आपकी जैसे यहाँ लाइटें वाइटें भी दे रखी हैं तो पैसेंजर को कोई दिक्कत नहीं होने वाली अंदर बैठने में, और यहाँ पे भी अगर आप सीट देख रहे हो तो वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन दिया हुआ है। एज यू कैन सी इसके अंदर भी लाइट जलती है, अभी कार बंद पड़ी है ना तो इसमें लाइट आपको दिख नहीं रही। इधर लंबा सपोर्ट मिलती है ड्राइवर को और यहाँ पे बोस मोड के फीचर भी आपको मिलते हैं कि यहीं से आप बटन दबा के सीट को आगे पीछे कर सकते हो फ्रंट वाली। और यहाँ पे जो पैसेंजर साइड की सीट है ना ये भी आपको इलेक्ट्रिक मिल जाती है जिसमें आपको वेंटिलेटेड सीट का फीचर भी मिल जाता है और इधर भी लाइट आपको देखने को मिल जाती है। सबसे बढ़िया चीज़ मतलब हर तरफ कंफर्ट ही कंफर्ट है, इतने हिडन फीचर है ना। जैसे ही मैं ड्राइवर साइड का डोर खोलूँगा तो ये वेलकम फीचर है, ये सीट देखो नीचे जा रही है, ये इस कार का वेलकम फीचर है, सीट नीचे होगी ड्राइवर इजीली बैठ जाएगा अंदर, और जैसे ही ड्राइवर बैठेगा ना आप दरवाज़ा बंद करोगे तो ये सीट दोबारा ऊपर हो जाएगी, मतलब उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। और मेमोरी सीट का फीचर वगैरह भी मिलता है, इलेक्ट्रिक सीटें मिलती हैं, तो बेहद ही कंफर्टेबल गाड़ी और अच्छी रोड प्रेजेंस के साथ। मतलब अगर आपको कंफर्ट भी चाहिए, रोड प्रेजेंस भी चाहिए, SUV वाली लुक भी चाहिए, फीचर भी चाहिए, लग्जरी भी चाहिए, पावर भी चाहिए, ऑल इन वन पैकेज है टाटा सफारी। सो दोस्तों अभी गाड़ी को मैं चला रहा हूँ, घर जा रहे हैं वापस हाईवे के ऊपर, और इसमें मैं दिखाता हूँ पीछे का सीन कुछ। आगे दादू बैठे हुए हैं, पीछे पापा बैठे हुए हैं। पापा किवे हैं, कंफर्ट वगैरह? वो मजेदार कार है, इंज लग रहा है जिवें बस विच बैठे हो, ए लंबा तो लंबा बंदा सुन। मतलब बस केड़ी, रोडवेज वाली, वोल्वो वाली? वोल्वो बस विच। अच्छा, साइड में पापा ने अगर आप देख पा रहे हो तो सनशेड भी ऊपर कर लिया कि बाहर से कोई भी किसी भी तरह की लाइट ना आए अंदर। तो यहाँ पे ये भी चीज अच्छी लगी कि टाटा ने ना मतलब पैसेंजर के कंफर्ट के लिए काफी सोचा, एक फैमिली कार की तरह भी आप इसे प्रमोट कर सकते हो, शोफर ड्रिवन कार की तरह भी आप इसे मान सकते हो। तो ये कार एक इकलौती कार है जो सारे बॉक्सेस को टिक करती है। ये थी मेरी आज की वीडियो, थोड़ी अलग तरह की वीडियो थी, अलग तरह का कंटेंट मैंने बनाने का ट्राई करा, पैनोरामिक सनरूफ के साथ, शार्क फिन एंटीना के साथ, कनेक्टेड कार फीचर के साथ, वन ऑफ द बेस्ट कार इन द इंडियन मार्केट टुडे। और सबसे मेन चीज सेफ्टी, 7 एयरबैग, 5 स्टार सेफ्टी, ग्लोबल एनकैप में भी, भारत एनकैप में भी। प्लेटफॉर्म की बात करूँ ना तो ये बनी है D8 प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो अपना लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म है, वैसे इसके प्लेटफॉर्म का नाम है ओमेगा आर्क, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये D8 प्लेटफॉर्म है लैंड रोवर का, वहाँ से डिराइव किया हुआ प्लेटफॉर्म है। मतलब उसी प्लेटफॉर्म को सामने रख के टाटा ने इस प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन किया, तभी इस कार की लुक ना कहीं से पीछे से लैंड रोवर डिस्कवरी जैसी देखने को मिलती है। मैं यहाँ फोटो लगा दूंगा उस गाड़ी की। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलेंगे ऐसे किसी अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।